ईवू, सबको बोलो जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? अभी एक्चुअली सुबह नहीं हुई है, ये नींबू का सेकेंड नैप के बाद में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो बज रहे हैं अभी 12:30 ऑलमोस्ट। और देखिए, एक टाइम था मैंने ये लिया था नींबू, यहाँ पे लेटा रहता था छोटा सा नींबू, और इसको देख करके कितना हंसता था, खेलता था। और देखिए कैसे बच्चे जल्दी ग्रो कर जाते हैं कि अब खुद से खड़ा होकर इस तरफ से वो उसको खींच रहा है और तोड़ने के पीछे पड़ा है कि कैसे उसको मैं तोड़ दूँ। तो वीडियो काफी आज का लेट शुरू हो रहा है, तो अभी नींबू सोकर के उठ गया और अभी उसका मसाज होना था, तो मैंने फोन किया मसाज वाली आंटी को। इसकी एक्चुअली कल नहीं आई थी, कल उसको फीवर था, तो मुझे लगा ठीक है अब आ जाएगी, कोई खबर तो दिया नहीं था। फोन करती हूँ जब, तो बोल रही है कि हॉस्पिटल में है, उसकी बच्ची ने फोन उठाया था कि मम्मी तो गई है हॉस्पिटल, तो आएंगी नहीं, तो मतलब वो आज भी नहीं आने वाली। तो कल तो मैंने नींव का ना मसाज और शार जो है वो कैंसिल कर दिया कि ठीक है अभी वैक्सीनेशन भी हुआ है परसों, तो कोई नहीं, एक दिन नहीं नहाएगा कोई नहीं। पर आज मैंने बोला दीदी कोई काम करो, अब आप ही इसको मालिश करके नहला लो, क्योंकि अब आज तो एब्सेंट करेंगे नहीं। बाय द वे, वैक्सीन के बाद में नींव को फीवर नहीं आया, जैसा कि डॉक्टर ने बोला था कि फीवर नहीं आना चाहिए मोस्टली, तो नहीं आया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो ये वाला जो वैक्सीन होता है 9 मंथ वाला, तो अगर आप डिलवाने वाले अपने बच्चे को तो निश्चिंत रहिए, मोस्टली फीवर नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एनीवेज, तो आज जो है फर्स्ट टाइम दीदी ही मसाज करके इसको नहला देगी। वैसे भी अब बैठने लगा है नींबू, वीडियो में कई बार आपने नहीं देखा होगा कि वो ना मन पे बैठता है, उसको बैठना आता है पर वो बैठना चाहता नहीं है, तो बैठ लेता है, तो आराम से दीदी कर सकती है। वैसे भी फ्यूचर में फाइनली दीदी को ही करना है, वो तो भी मैंने मसाज वाली को रखा हुआ था कि नींव भी थोड़ा बैठना बैठना सीख जाए तो अच्छा होगा, तो आगे जाकर तो इन्हीं को करना है, तो आज ही कर लेंगी। एनीवेज, वीडियो लेट शुरू इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 2 दिनों से मैं और अंगद जो है अलग अलग परेशानियों में लगे हुए हैं, कुछ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जो प्लानिंग की थी उसमें सब में पानी फिर गया, जो आपने पढ़ा होगा टाइटल में, क्या हुआ बताती हूँ। कैसा हो गया देखो चोटी तुम्हारा, कैसा हो गया? पहले अच्छे से चोटी बनवा लो नींबू। यानी वो एकदम फ्रेश फ्रेश होकर के सबको बोलो हेलो हाय। पता नहीं अभी इतना शांत होके क्या देख रहा है, वरना ये नजारा हम लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है जब नींबू शांति से कुछ देखे, क्या बात है। अच्छा सबको करके दिखाओ ना, क्या क्या हुआ, क्या हुआ, करके दिखा दो। नया शुरू किया है, पता है क्या करता है, कुछ भी बात होगा ना ऐसे करेगा, क्या दोनों हाथों से करता है, क्या 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 करके दिखाओ, क्या क्या देखो देखो शर्मा गया, मतलब ये शर्मा रहा है आप लोगों से इसलिए दिखा नहीं पा रहा है। नींव क्या, ये मैंने नया एक स्लिंग बैग मंगाया है नींव के लिए, एक्चुअली स्पेशली इसलिए थोड़ा सा ऐसा मंगवाया है बच्चों वाला। तो ये जो बैग है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली ज़रूरत थी इसकी, तो इसमें मैं क्या रखने वाली हूँ, इसमें नींव का बॉटल, नींव के लिए एक रहेगा इसमें रुमाल, और उसके तिथर ऐसी चीज़ें जो हैं इसमें रहेंगी, और जब दीदी लेकर नीचे जाती है ना नींव को खिलाने के लिए शाम को सुबह, तो वो ये कैरी करके जाएंगी। अभी क्या हुआ ना, एक दिन अंगद नींव को नीचे लेकर गया था और नींव को उठ गई खांसी, और पानी का बॉटल साथ में कैरी वो नहीं कर रहा था, इतनी जोर की उसको खांसी आई ना, तो फिर अंगद आके कह रहा था कि अरे पानी का बॉटल लेके जाना पड़ेगा, जो कि कभी भी खांसी आ जाती है। तब मुझे रियलाइज हो गया था कि अच्छा, तो पानी का बॉटल तो लेके जाना ही चाहिए, वैसे भी नीचे जाता है तो अब तो 45 मिनट्स एक घंटा तक दीदी के साथ में नीचे खेलता रहता है। तो उसके लिए मुझे एक ऐसा बैग चाहिए था जो कि ऐसा हो, वर्टिकल हो, ताकि दीदी इसको जो टांगे ना टांग पाए, मतलब स्लिंग की तरह टांग ले और ये वर्टिकल हो, तो बिना इसको बाहर निकाले ऐसे साइड के पॉकेट से ही वो बॉटल निकाल ले, क्योंकि नींव को एक हाथ में कैरी करती है। सारे खिलौने छोड़ करके जो नहीं खिलौना है वही चाहिए, और उसके अंदर एक्चुअली पास पास है, पता है अगर ये खुल गया ना तो सब घर में गिर जाएगा, पर उसको दिख गया डब्बा, रेड कलर है ना, अट्रैक्ट करता है। इधर इधर नींबू, ये लो नींबू, नो नो डोंट टच, डोंट टच, नो। अभी मैं ना जान के वहाँ से चप्पल नहीं हटा रही हूँ, इसको ही नो बोलती हूँ, देखती हूँ छोड़ता है कि नहीं, तो छोड़ दिया है। वो सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, पता है कितना आप छीनते रहेंगे हाथ से। एनीवेज, मेरे बालों का स्टेट अगर आप देखोगे ना, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बेबी होने के बाद में भी बालों का आपका क्या स्टेट है। देखिए स्टेट तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि बाल जो है ना वो बहुत ज्यादा रूखे सूखे से लगते हैं, उनमें शाइन नहीं होती। अभी तो फिर भी आपको थोड़े बहुत ठीक ठाक लग रहे होंगे क्योंकि मैंने हेयर ऑयल लगाया हुआ है। अगर आप मुझे शैम्पू करने के बाद देखोगे ना, तो इमीडिएटली बाल सूखते ही बाल फ्रीजी हो जाते हैं, उनमें कोई चमक नहीं रहती है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि बाल एकदम आपके बेकार से हो गए, ड्राई से लगते हैं, उनमें कोई भी चमक नहीं है, कोई भी शाइन नहीं है, और
आपके पास टाइम नहीं है कि कुछ भी एक्स्ट्रा किया जाए बालों का केयर के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड कर रही हूँ बी ब्लेंड का ये देखिए शैम्पू एंड कंडीशनर। बी ब्लेंड के इस इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू में आपको मिलता है जोजोबा एंड वाइटामिन ई, ये आता है शाइन टॉनिक के साथ में। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने बालों को दो भाग में बांट लिया है। एक तरफ मैं अप्लाई कर रही हूँ बी ब्लेंड का ये इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू, इससे अच्छे से वॉश करने के बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ बी ब्लेंड का इंटेंस मॉइस्चर कंडीशनर। दोनों को अच्छे से अप्लाई करने के बाद में, बालों को अच्छे से वॉश करने के बाद में, यहाँ पे देखिए कितना क्लियर डिफरेंस लग रहा है। जिस साइड मैंने शैम्पू एंड कंडीशनर अप्लाई किया है वो साइड कितने फ्रिज फ्री, मैनेजेबल और शाइनी लग रहे हैं, और जिस साइड मैंने नहीं लगाया है वो साइड देखिए कितना ज़्यादा रूखा सूखा लग रहा है, एज इफ बालों में कोई जान ही नहीं हो। तो दोनों तरफ से आप डिफरेंस देख सकते हो। तो जब आप लगाते हो ये शैम्पू एंड कंडीशनर तो ये आपके बालों को डीपली नरिश करता है, उसमें शाइन ऐड करता है, बाल को स्मूथ करता है, मैनेजेबल बनाता है, नरिशमेंट देता है और आपके हेयर को मॉइस्चराइज बनाता है। ये शैम्पू एंड कंडीशनर स्पेशली बनाया गया है इंडियन हेयर के लिए। आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा, आप मेरे बिफोर एंड आफ्टर देख रहे होंगे, फिर आपको क्लियर आइडिया लग रहा होगा कि ये कंडीशनर शैम्पू लगाते ही आपके बाल बिल्कुल सैलून लाइक दिखने लग जाते हैं। अगर आपको लेना है ये शैम्पू और कंडीशनर तो मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अगर लेते हैं इसे बी ब्लेंड की वेबसाइट से तो मेरा कूपन कोड SHONA2024 जरूर अप्लाई करिएगा, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे बी ब्लेंड के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं और इनकी एक इनिशिएटिव है जो मैं हमेशा मेंशन करती हूं कि जब भी आप इनका लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ वुमन दैट दे एम्पावर विद संभव फाउंडेशन थ्रू बी ब्लेंड शाइन एकेडमी। और इन्होंने ठान रखा है कि इन्हें 10,000 वुमन अक्रॉस नेशन एम्पावर करना है। तो मोटिव अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, रीजनेबल रेट पे मिल रहा है, एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो लिंक जरूर चेकआउट करिएगा। 3 hours later. गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 5:30। आज तो मैंने वैसे भी ब्लॉग लेट स्टार्ट किया, उसके बाद दोपहर में नींद सो जाता है तो वैसे भी कुछ ब्लॉग नहीं कर सकते। अभी वो उठा है अपना, गया है नीचे खेलने के लिए, तो खेल करके आएगा आधे घंटे के अंदर में। तब तक जो आपको आवाज आ रही है, पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, मैंने उसका नाश्ता चढ़ाया है। तो इसमें डाला है मैंने पैर। पैर जो होता है ना वो बॉईल होने में बहुत टाइम लगता है। एप्पल तो बहुत जल्दी हो जाता है तो वो तो मैं पतीले में कर लेती हूँ, पर पैर ना बहुत बहुत टाइम लगता है। तो मैं उसको चढ़ा देती हूँ कुकर में। तो दो पैर इसमें डाला है, पैर का मैंने पैर डाला है। अच्छा चलिए बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो आपने पढ़ा होगा टाइटल में। तो कुछ ब्लॉग पहले हम लोगों ने आपसे शेयर किया था नीफ का बर्थडे आने वाला है 10 सितंबर, फर्स्ट बर्थडे है तो कितना स्पेशल होता है आपको पता होगा। तो मैं और अंगद दोनों बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड है नीफ के बर्थडे के लिए, लेकिन हम दोनों की सोच थोड़ी अलग थी जो हमने शेयर किया था। मैं चाह रही थी बर्थडे जो है वो ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, राजकोट में हो, सारे फैमिली वाले आए, धूमधाम से होटल में सेलिब्रेट करे, खूब बड़ी सी पार्टी दे। और अंगद का कहना था कि वैसा मत करो, इससे अच्छा है कि हम सब लोग चले जाते हैं वेकेशन पे, मतलब मैं अंगद नहीं चले जाते हैं वेकेशन पे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को लेकर के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से बच्चा बहुत परेशान होता है, बिल्कुल मजा नहीं आता और क्यों करना है यह सब। बस फिर फाइनली मैंने अंगद को भी कन्विंस कर लिया था कि हम लोग जो है बर्थडे पार्टी राजकोट में ही करेंगे। फिर जैसे ही डिसाइड हुआ राजकोट में करना है, सबसे पहले क्या किया, ऑफकोर्स इन लॉ से बात करी कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, एंड दे वर लाइक हाँ ठीक है, अच्छा सोच रहे हो, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे बर्थडे मना लेते हैं। तो वहां से भी ओके हो गया था। फिर हम लग गए प्रोसेस में, क्योंकि अगर आपको पार्टी करनी है तो कितना कुछ प्लान करना है। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम एक रखते हैं इवेंट मैनेजर, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है अभी राजकोट में, ऐसे में मॉम डैड को अलग अलग जगह जाकर के होटल्स में फूड टेस्टिंग करना, हॉल चेक करना बहुत होगा और वो लोग बिजी भी रहते हैं। तो इससे अच्छा है एक रखते हैं इवेंट मैनेजर, वो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर देगा। तो यहां से बैठे हम सब कुछ कर लेंगे, वही हमें केक का बताएगा, डेकोरेशन का बताएगा, हॉल का बताएगा, सब कुछ कर देगा। तो बस इवेंट मैनेजर हमने फाइनल लिस्ट किया, बहुत सारे लिस्ट थे, उसमें से एक को कांटेक्ट किया, उसने हमें लिस्ट ऑफ होटल्स दिए, उसमें से हमने एक होटल को सिलेक्ट भी कर लिया। तो जो लोग राजकोट के इनको पता होगा आरपीजे रिजेंटा करके एक होटल है, बहुत अच्छा होटल है, वो हमने फाइनल भी कर लिया और उसमें हमने हॉल भी फाइनल कर लिया। मैं यहाँ पे पिक्चर लगाऊंगी उस हॉल का जहां पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होनी, तो वो भी हमने फाइनल कर लिया। अब बचा क्या था, मैं क्या पहनूं, अंगद क्या पहनेगा, नीव क्या पहनेगा, केक कैसा आएगा, यही कुछ कुछ चीजें बची हुई थी। और हम लोग ये सब के बारे में सोचते एक वीकेंड आया अभी मॉम डैड का फोन, बेसिकली डैड का फोन आया, तो वो बोल रहे थे अंगद के जो बड़े वाले चाचा हैं, जो अंगद के डैड से भी काफी बड़े हैं, वो बहुत दिनों से बीमार रहते हैं, उनकी वाइफ नहीं है, बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब बीमार इन द सेंस कि हाँ हॉस्पिटल जाते हैं फिर ठीक होकर के आते हैं वैसा। तो वो फिलहाल बहुत ज्यादा बीमार हो गए और इस बार जब वो हॉस्पिटलाइज हुए तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इनका ऐसा हाल है, एज भी बहुत हो गई है बहुत ज्यादा, तो उनका कहना है कि अभी ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, तो थोड़ा सा एक है कंसर्न वो चीज। तो उसी बारे में जब डॉक्टर ने ऐसा बोला तो डैड ने अंगद से शेयर किया कि तुम लोग पार्टी का सोच रहे हो, ऑफकोर्स इतनी सारी बुकिंग करोगे, प्लान करोगे, ठीक है,
कुछ नहीं होगा, पर 1% अगर चांस है इनकेस कुछ होता है अंकल को, तो फिर ऑफकोर्स विल कैंसल द पार्टी, वो तो होगा नहीं, पार्टी वगैरह कुछ करेंगे नहीं तुम लोगों का, तुम लोग यहाँ आ भी जाओगे तो भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर ये होगा कि तुम लोग ये प्लान कैंसिल करो। तो उसके बाद कैंसिल किया, तो फ्लाइट का तो देखिए हमने कर लिया था बुकिंग, वो वाला जिसमें कि रिटर्न आ जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी कटता है, बहुत छोटा सा, तो वो रिटर्न आ गया। होटल वाले से बात चल रही है, उनकी पॉलिसी थी कि वो कुछ परसेंटेज कट करते हैं अगर आप कन्फर्मेशन देने के बाद कैंसिल करते हो, तो अंगद अभी टॉक्स में है उनके साथ भी कि वापस कर दो भाई, तो वो भी वापस शायद आ जाएगा, थोड़ा बहुत कट होगा जो होगा, तो ये तो चलिए कट होगा, वापस होगा, क्या होगा नहीं होगा, पर जो इतनी प्लानिंग थी। आज सुबह मैंने ना ये सारा मलाई जो है फ्रीजर से बाहर निकाल दिया था, और दिन भर बाहर रहा तो पिघल गया अच्छे से, और अब जा रही हूँ इसका बनाने के लिए घी। तो अभी देखिए मैंने रिसेंटली नीव के लिए विंटर वाले कपड़े लिए थे, जो कि बैंगलोर में बहुत ठंडी हो गई थी, और देखिए जैसे वो कपड़े आ गए ना गर्मी हो गई है, मतलब पूरा दिन आज वैसा ही गर्मी, कल भी वैसा ही गर्मी, तो पता नहीं कब काम आएगा। अरे वो देखिए मून दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि हाँ, ये देखिए आज दिन भर कितना मीटिंग था अंगद। आज मुझे रियलाइज हुआ अगर दीदी आज नहीं होती घर पे तो हालत खराब होगी, तब तो मैं बोलती ये भगवान लो, ये कौन आया बताओ, आंटी आई कि नीबू आया, आंटी लगी सर, मैं बोल रही हूँ नीबू आया, चलो लेट्स सी कौन है। मैंने देख लिया था पीपोल से कि नीबू है, ये नीबू है, कहाँ गया था खेलने नीबू, देखो देख रहा है कि ये लोग क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये लोग, क्या कर रहा है, आजा आजा, हाय हाय, क्या कर रहा है। जब नीव नीचे गया ना उस टाइम पे एक्चुअली अंगद का चल रहा था ऑफिस, तो वो मिला नहीं यार ठीक से पूरा दिन, वो सोच रहा होगा पापा ऑफिस गए थे, क्योंकि उस रूम गया नहीं ना वो एक बार भी। नीबू पापा ऑफिस से आ गए, जस्ट बाजू वाले रूम का ऑफिस, बहुत ट्रैफिक था नीबू, बहुत ट्रैफिक था भाई, बहुत ट्रैफिक था, इधर तक पहुंचने में बहुत टाइम लग गया मुझे, बहुत डेंजरस होता जा रहा है। पता है अभी क्या किया नीबू ने, ये वाला मैग्नेट सब ना मांगता रहता है, तो एक ही छोटा वाला मैग्नेट दे दिया अंगद ने, एक सेकंड तो अंगद मेरे से बात कर रहा होगा उसने मुंह में डाल दिया, नहीं दूंगी नहीं, देखिए नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा, ये किसी के मुंह में ना जा पाए। चलिए नीव को नाश्ता वगैरह करा दिया है और मैं लगी हूँ घी के काम में। मैं जिस दिन कोई एक एक्स्ट्रा काम हाथ में लेती हूँ ना उसी दिन गड़बड़ शड़बड़ होना शुरू हो जाता है। मैं बहुत दिन से टाल रही थी घी बनाने का, आज सोचा कि बना ही लेते, मलाई वरना खराब हो जाएगा। पता नहीं नीव इतना क्रैंकी हो गया शाम के बाद, मैं अभी व्लॉगिंग कर रही हूँ, अभी देखिए बज रहे 8:15, तो उसको नाश्ता वगैरह करा दिया, उसमें भी बहुत रो रहा था, उसके बाद तो उसके सोने का टाइम होता है तो सोने का ट्राई कराने लग गई। माय गॉड 15-20 मिनट में तो इतना वो रो रहा था, इतना रो रहा था, अंदर ने ट्राई किया, मैंने ट्राई किया, वो नहीं सोया, तो मैंने कहा छोड़ो हटाओ उसको, आज मन नहीं है सोने का, चलो लेके चलते नीचे। चले गए नीचे, लेकर के कुछ देर घुमाया, वहां पे भी वो रो रहा है, मतलब उसको नींद आ रही है, बच्चे ना ऐसे करके कान ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब उनको नींद आ रही होती है, फुल वैसे कर रहा है, किसी बच्चे से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, पर उसको सोना नहीं है, क्यों नहीं सोना पता नहीं, पर नींद आ रही है। अब नींद आ रही है और ना सोए तो कितना क्रैंकी हो जाता है, तो मैंने कहा अंगद को ठीक है, मेरे को तो घी मैं बंद करके गई थी गैस, तो मैंने कहा तुम उसको घुमाओ, मैं कितना देर नीचे घूमू, मैं को घी भी बना के खत्म भी करना है काम। नीबू अभी भी खेल रहा है, नींद नहीं जरा सा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मस्त में खेल रहा है। The next day. Good morning. सुबह के बज रहे 6, उठे हुए हम लोग 5 बजे से, क्योंकि नींद उड़ गया, ट्राई किया सुलाने का, फिर नहीं सो रहा था, तो मैंने कहा छोड़ो उठ ही जाते हैं क्या, फिर ट्राई करते रहने का, और अंगद कह रहा था कि जल्दी उठ गए हैं तो चलो बाहर जाते हैं, इडली डोसा खा के आते हैं, पर मेरा मन नहीं किया क्योंकि नींद क्रैंकी हो जाएगा, मुझे पता है जब वो टाइम से पहले उठ जाता है ना तो आधे घंटे में ही बोर होके क्रैंकी हो जाता है, तो इसीलिए जाने का फायदा है नहीं, घर पे ही नाश्ता वाश्ता बना लेते हैं। ये देखिए अभी जाकर के सनराइज होना स्टार्ट हुआ है, और आज का मौसम लग रहा है कि और भी ज्यादा अच्छा होने वाला। नीबू तुम देखा सनराइज, ये देखो सामने से सूर्य भगवान आ रहे हैं, जय करो। नीबू बोलो सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आया था मुझे एक ब्लॉग में कमेंट, आजकल नीबू से आप जय श्री कृष्णा बोलने के लिए नहीं बोलते हो। किचन में
क्या कर रहे हो किचन में तुम? क्या चाहिए तुम्हारे मतलब का तो कुछ नहीं बन रहा, तुम्हारे मतलब का तो कुछ नहीं बन रहा नीबू। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? कैसे छोटा सा बिल्ली लग रहा है नीबू तुम। म्याऊ 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 पोहा में ना अगर आपने ये कभी ट्राई नहीं किया तो ट्राई करिएगा, अदरक ग्रेट करके डालिएगा। जब प्याज या आलू वगैरह को फ्राई कर रहे होते हो ना तब भी थोड़ा सा अदरक डालिए ग्रेट करके, इतना यम्मी टेस्ट आएगा, उसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना, बहुत टेस्टी लगेगा। तो नहीं कभी ट्राई किया है तो करिएगा, और अगर करते हो आप ट्राई, ऐसे बनाते हो तो मुझे कमेंट करिएगा। चलिए पोहा ऑलमोस्ट डन। कल जो मैं घी बना रही थी फिर तो मैंने आपको दिखाया नहीं, तो ये देखिए डब्बे में भी डाल। क्या हो रहा है नींबू, क्या हो रहा है? ये दिया ना तुमको खेलने के लिए, अब देखिए वो टाइम से पहले उठ गया, अब ऐसा नहीं है वो खेलता रहेगा, अब वो सिर्फ क्रैंकी रहेगा, अब उसके पीछे लगे रहिए, वही आराम से सो के उठता टाइम पे तो खेलता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज रहेगी दिन भर, क्योंकि सारा रूटीन ऊपर नीचे हो जाएगा इसका। नींबू ये देखिए इस बच्चे को, ये देखिए, और गिर जाओगे, गिर जाओगे। तो 5 बजे का उठा हुआ है ये, अभी बज रहे हैं 8:15, और कैसे इसको मैंने मन लगाया है आप मुझसे मत पूछिए, आप मेरी हालत देख के समझ रहे होंगे। अंकित जा रहा है ऑफिस, तो चलिए वो तो निकलेगा, और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि कल रात में 2 बजे तक क्यों जाग रही थी। एक्चुअली मैं बैठ के सर्च कर रही थी कि नीव के बर्थडे के लिए नेक्स्ट जो प्लान सोच रहे हैं वो कैसे एग्जीक्यूट करे, उसमें क्या क्या करे क्या ना करे, तो वो सब में मुझे क्या पता था बच्चा उठ जाएगा 5 बजे। तो मैं 2 तक तो जाग रही थी, उसके बाद 3 घंटे की मुश्किल से नींद आई होगी और ये उठ गया, तो मेरी तो बैटरी हो गई है डाउन। क्या क्या एनीवेज थोड़े देर में तो आधे घंटे में तो इसकी नानी आएगी, फिर सोच रही हूँ कि थोड़ी देर सो जाऊं, अंगद तो ऑफिस निकल लेगा अपना, तो अगर मैं थोड़ी देर सो पाऊं तो मुझे अच्छा लगे। क्या बोलना है बोलो, क्या बोलना था सबको बोलो। हेलो हाय, मैं हूँ एक बहुत ही शैतान बच्चा, आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं बहुत शैतानी करता हूँ। गुड मॉर्निंग अगेन, एक फिर से नैप लेके उठी हूँ, 10:15 बज रहे, अभी थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, जो कि बहुत देर सोई नहीं हूँ पर फिर भी अच्छा लग रहा है। तो 8:30 होते होते नीव की बैटरी पूरी डाउन हो गई थी, बहुत क्रैंकी हो गया, तो मैंने उसको सुला दिया, उसको सुलाया, मैं भी सो गई, और अंगद निकल लिया ऑफिस की, दोनों तो सोने जा रहे, तो मैं चला जाता हूँ, अच्छा मौका है ट्रैफिक कम होगी, तो वो चला गया। तो लगभग वही 8:30 बजे इसको सुलाया, तो 9:45 बजे के आसपास मैं सोई होंगी, 9:45 से 10:15, इतने देर में ही मुझे अच्छी नींद आ गई। पर ऐसा नहीं है कि सोती रही, बीच में नैनी आई तो बेल बजाया उसने, मैंने कहा दीदी आज तो आप आते देर ही फ्री हो 1.5 घंटा, पता नहीं नींव कब सो के उठेगा, पूरा रूटीन गड़बड़ है। तो बेचारी भी बैठी हुई थी, फिर वो उठ गया, लेकिन 10:15 तक अब तक कुक आ गई, उसके बेल से ही उठा एक्चुअली। तो नैनी और कुक मिलकर उसको खिला रहे, और मैंने कहा आज तो आप लोग को खिलाते खिलाते टाइम, मतलब टाइम बहुत है आपके हाथ में, क्योंकि अब ये सोएगा सीधा 1:30-2 बजे, अब तो इसका सुबह वाला नैप हो गया, तो खिलाइए जितना खिलाना है, आराम से मजे करिए, बच्चा सोने वाला है नहीं। कुक को भी बोल दिया तुम भी आराम आराम से खाना बनाओ, खेलो उसके साथ, क्योंकि अब तो ये दोपहर में ही सोना है। वैसा अंगद भी ऑफिस पहुंच गया और मैं सो के उठी, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। तो कल रात को बैठ करके थोड़ा बहुत अंगद से भी डिस्कस किया कि जो प्लान सोचा है बर्थडे के लिए उसको, उसमें क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, फिर बैठ के मैं ढूंढ रही थी होटल्स वगैरह की, ना जिम्मेदारी मेरी रहती है कि कैसा होटल जाना है, कहाँ पे स्टे करना है, फ्लाइट वगैरह का अंगद देख लेता है, फिर वहां पे जाकर के कहाँ पे क्या क्या घूमना है वो भी देख लेता है, पर मेन स्टे जो करना है उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा रहने की जगह जो अच्छी होनी चाहिए, कहीं भी जाइए, और अब नीव के साथ में तो अभी मैटर करता है कि कितना बड़ा रूम है, क्या है नहीं है, तो थोड़ा बहुत उसे फिगर आउट कर रही थी कहाँ जाने का सोच रहे हैं। ऑफकोर्स वो अभी नहीं बताएंगे, उसको सरप्राइज थोड़ा सा रहने दीजिए अभी, मतलब बुकिंग नहीं करी है कुछ भी अभी, तो बस कल बैठ के होटल्स वगैरह देख रहे थे। फ्लाइट वगैरह का अंगद कह रहा है कि आज रात को आता है, मतलब ऑफिस आएगा फिर बैठ करके चेक करेगा, तो वैसा। एनीवेज चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो, पता नहीं अच्छा लगा नहीं लगा, बहुत ही बिट्स एंड पीसेस में मैंने शूट किया, कभी कभी ऐसा हो जाता है, नींव ने भी साथ नहीं दिया और वैसे भी मूड थोड़ा ठीक नहीं था। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज को देखते रहिए। और क्या आप लोग गेस कर सकते हैं हम लोग कहाँ जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा गेस करिए कहाँ जाने का सोच रहे हैं, कि नींव के लिए स्पेशल हो, अभी बुकिंग वुकिंग की नहीं है, तो क्या पता कहीं और ही चले जाए, जहाँ सोच रहे हैं वहाँ हम लोग ना जाए, देखते हैं। बाय बाय।